रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला हमीरपुर में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जिले में कई जगह मलबा गिरने से करीब 2 दर्जन संपर्क मार्ग तथा 2 राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुए। वहीं जिला में शिक्षण संस्थानों में छुट्टी न दिए जाने के चलते छात्र भीगते हुए किसी तरह घरों से तो निकल गए हैं, लेकिन अभिभावकों को यही डर सता रहा है कि बेसकुशल स्कूल पहुंचे भी हैं या नहीं। प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला हमीरपुर में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जिले में कई जगह मलबा गिरने से करीब 2 दर्जन संपर्क मार्ग तथा 2 राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुए। वहीं जिला में शिक्षण संस्थानों में छुट्टी न दिए जाने के चलते छात्र भीगते हुए किसी तरह घरों से तो निकल गए हैं, लेकिन अभिभावकों को यही डर सता रहा है कि वे सकुशल स्कूल पहुँचे भी हैं या नहीं। हमीरपुर में सुबह शुरू हुई बारिश के कारण स्कूल के छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अभिभावकों को भी परेशानी उठानी पड़ी। तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी ही पानी हो गया और नालियों ने नाले का रूप धारण कर लिया। भारी बारिश के चलते हिमुडा कॉलोनी के नाले में बाढ़ आ गई, जिसके चलते कई लोग घरों, दुकानों और रास्ते में फंस गए हैं। बाढ़ के कारण सड़कों पर पानी बह रहा है और लोग घर से बाहर पांव तक नहीं रख पा रहे हैं। अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर लौट रहे हिमुडा निवासी ने बताया कि नाले ने कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया है, जिस कारण वे नाले के इस पार रुक गया है और घर नहीं पहुंच पा रहा है। जी, नाले के बाहर फंसे हुए हैं और अपने घर नहीं जा सकते हैं। अभी तो काफ़ी पानी आया हुआ है, तो अभी तो दो तीन घंटे लग जाएंगे। सर, आज स्कूल भी हमीरपुर में ऑन है, बच्चों को छोड़ने गए होंगे शायद आप। क्या दिक्कत हो रही है बच्चों को स्कूल को आने में या कॉलेज में? तो पानी तो बहुत है, पानी इतना आया हुआ है कि निकलना मुश्किल है आपको। वहीं पानी का तेज बहाव होने के कारण गाड़ियां भी नाले को पार नहीं कर पा रही हैं। गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने बताया कि नाले में पानी होने के चलते गाड़ी में ही बैठकर इंतजार करना पड़ रहा है। पानी आ गया है इधर में, इस करके जो है वो खड़े हैं, तो उधर साहब इंतजार कर रहे हैं, इधर हम वेट कर रहे हैं, सब नाला उतरेगा। कितनी देर हो गई आपको खड़े हुए? आधा घंटा तो।
चलो।